फंदे से लटकता मिला शव, जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र शोहरतगढ़ के महदेवा नानकार में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। 24 वर्षीय युवक ने प्रेमिका के घर जाकर फंदा लगा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वही जानकारी के मुताबिक प्रेमी प्रेमिका के घर गया था और प्रेमिका के घर ही फंदा लगा लिया। दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक ही गांव के निवासी हैं। मृतक युवक के भाई का कहना है कि देर रात से घर पर नहीं था और सुबह होने पर पता चला कि उसका भाई संदीप का शव फंदे से लटकता मिला है और परिजनों ने हत्या की आशंका जता रहे हैं। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना स्थल में पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतक युवक के पास सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा है कि लड़की को भगा ले जाने पर बदनाम हो गया था, लेकिन सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सर, अभी एक घटना घटी नहीं है कि दूसरी घटना सामने आ गई है। सर, एक घर में लाश मिली है, सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये थाना शौरतगढ़ क्षेत्र अंतर्गत महादेवा नानकार गांव है। इसमें संदीप शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, इसकी रस्सी से लटकी हुई शव की सूचना प्राप्त हुई थी। ये शव इसकी बताया जा रहा है इसकी प्रेमिका के घर में प्राप्त हुआ है। इसमें पोस्टमार्टम के लिए इसके शव को भेज दिया गया है। इसके पास एक सुसाइड नोट भी प्राप्त होना पता चला है, जिसमें लिखा है कि लड़की को भगाने के आरोप में ये बदनाम हो गया था, जिसके चलते इस प्रकार की ये घटना कर रहा है। इसमें इस सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है, साथ ही संपूर्ण घटना की जांच करते हुए इसमें विधिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या की जाएगी? क्या आगे की कार्रवाई क्या होगी सर? इसमें सभी तथ्यों की जाँच करते हुए विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। बोल दिए कि एक बार। आपका क्या नाम है? अजय शर्मा। किस गांव के रहने वाले? महादेवा नान का। जो घटना घटित हुई है, कैसे हुई है वो आप कौन? रात में 1 बजे तक वहाँ था, उसके बाद में उनको धमकी दे थे मारने के लिए। इसलिए वहाँ पे वो कहे कि मतलब हमको मार देंगे, हमारा लाश वहाँ से उठा लेना। कोई धमकी दे के जो मोबाइल के पास है। कैसे जानकारी हुई आपको? हम लोग सुबह ढूंढने लगे, उसके बाद में इनके घर पे आए थे पूछने के लिए, कह रही हमारे घर पे नहीं है और लाश मतलब यहीं पे था। हम लोग ढूंढने गए थे, मतलब स्टेशन से पूरा ढूंढ के आए हैं। जिसका मृतक हुआ वो आपके कौन है? मेरा भाई। क्या नाम? संदीप। चलो भाई।